नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। नागपुर के गणेशपेठ कॉटन मार्केट के अंतर्गत पुलिस को 20 जून को मोबाइल चोरी करने की शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस ने पेट्रोलिंग की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम शेख चांद शेख मंजूर बताया जा रहा है। उसके साथ एक नाबालिग लड़का भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक चोर भीड़ भाड़ वाले इलाके देख कर चोरी को अंजाम देते थे। गणेशपेठ पुलिस स्टेशन के अंदर कॉटन मार्केट और रेलवे स्टेशन का बाहर का इलाका और एस सी स्टैंड का इलाका, ऐसे थोड़े क्राउडेड प्लेसेस है। यहाँ पे मोबाइल की चोरियाँ होती है, तो उस जगह पे हमने हमारा 24/7 पेट्रोलिंग के और फिक्स पॉइंट हमारा ड्यूटी लगाया है। 20 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट आई कि दो मोबाइल जो है वो चोरी हुई है, तो हमने उसका FIR 270 CR नंबर 270 दर्ज किया 392 के तहत, सेक्शन 392 के तहत रॉबरी के। और हमारे लोगों ने वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते समय इन्फॉर्मेशन के ऊपर दो लोगों को ताबे में लिया, उसमें से एक माइनर है और दूसरा जो मेजर है उसका नाम जो है वो शेख चांद शेख मंजूर, ये बाहर के राज्य का है, बिहार का है, कटियाल का। और ये वहाँ के लोग यहाँ पे आके चोरी करके यहाँ से मोबाइल चोरी करके लेके जाते हैं, इसे इन्वेस्टिगेशन में उसको हमें पता चला। तो उसमें हमने इन लोगों से दो चोरियाँ हमने ओपन की है 392 की। और उस जो आरोपी है वो आरोपी की घरझड़ती में हमें 28 मोबाइल मिले हैं। उस मोबाइल की भी तहकीकात चल रही है, वो कहाँ से उन्होंने चुराया है या कहाँ से उन लोगों ने, जिन लोगों के चुराए उन लोगों की तरह उन लोगों के तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी हमारे ज़्यादा और गुने ओपन होने की संभावना है। और इसमें कुल मिला के 1,68,000 का माल हमने बरामद किया है। हमारे डिटेक्शन के जो सब इंस्पेक्टर डोईपुड़े हैं उनकी टीम ने ये कामगिरी की है। उसमें हेड कांस्टेबल मानेकर है, हेड कांस्टेबल बोराटे है और हमारा जो DP का जो स्टाफ है वो स्टाफ ने इन कामगिरी की है।